एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 8 पार्ट 1 फैक्टराइज 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे x प्लस y होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज की गई है, यानी इसे आपके राइट हैंड साइड के तरीके से लिखा गया है। अगर हम ध्यान दें तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म क्यूब की टर्म में लिखी जा सकती है, प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a² इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म है इस आइडेंटिटी की, तो हमें इसे राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे x के क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू b। तो हम जब इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, 2a प्लस b होल क्यूब, दिस इज अ आंसर। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 8 पार्ट 2 फैक्टराइज 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab² इस केस में जो हमारी आइडेंटिटी है वो है x माइनस y होल क्यूब। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो अपने राइट हैंड साइड की फॉर्म में दिया हुआ है, दैट मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। हमें इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना है, दैट इज x माइनस y होल क्यूब, इस तरीके से लिखना है। उसके लिए हमें पहले चेक करना होगा कि क्या x की वैल्यू है इस क्वेश्चन में और क्या y की वैल्यू है। उसके लिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि 8a³ पर सिर्फ a के ऊपर क्यूब है, 8 के ऊपर क्यूब नहीं है, यानी पूरी टर्म पर क्यूब लाने के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज 2 माइनस b³ माइनस 3 इंटू 2a² इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b² तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू b। 2a होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b², जहां पर हमारे x की वैल्यू 2a है, y की वैल्यू b है, सो वी विल गेट आइडेंटिटी एज 2a माइनस b होल क्यूब। सो दिस इज आवर आंसर।